हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके ही प्रश्न का एक उत्तर मैं लेकर के आया हूं। कल मैंने एक वीडियो डाला था सीडीआर और कॉल डिटेल्स पर, तो वहां पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि क्या सर हम व्हाट्सएप चैट को या उसके स्क्रीनशॉट को एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, विवाद कोई सा भी हो चाहे मैट्रिमोनियल हो, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के बीच में पार्टनरशिप है और पैसे का लेन देन है, तो आजकल क्या होता है कि व्हाट्सएप पर ही लोग एक दूसरे को कंसेंट दे देते हैं, व्हाट्सएप पर ही डॉक्यूमेंट शेयर कर लेते हैं और व्हाट्सएप पर कई बार ऐसी चैट्स भी होती हैं जो कि अगर हम एज एन एविडेंस यूज करें तो हमें उसका फायदा मिल सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या व्हाट्सएप पर इस प्रकार की चैट कोर्ट में मान्य होगी, या फिर जब हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसका प्रिंटआउट लेकर के कोर्ट में लगा देते हैं तो वो मान्य होगा या नहीं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी राय रखी है और एक्चुअल में कानून क्या कहता है वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने WhatsApp के जो स्क्रीनशॉट होते हैं उनको यूज करके उन्हें एज एन एविडेंस कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने अपने मामलों में उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोस्तों इस वीडियो की आखिरी लाइन तक भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आपसे कहूंगा कि इसमें टेक्निकल जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, साथ ही कानून बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है और आधा अधूरा ज्ञान लेकर के किसी भी काम को करना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अपने मामलों में आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट्सएप चैट की। अब जनरली क्या होता है कि व्हाट्सएप चैट जब होती है तो हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके स्क्रीनशॉट का प्रिंटआउट लेकर के कोर्ट में लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों क्या ये सही है, वास्तव में इस प्रकार की एविडेंस को कोर्ट ले लेगी? दोस्तों देखिए इस संबंध में कानून ये है कि आज के समय हमारे भारतवर्ष में एविडेंस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आते हैं, ये सत्य है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि आपकी ईमेल हो गई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर की हुई चैट हो गई, मैसेंजर से की हुई चैट हो गई, व्हाट्सएप के मैसेज हो गए, व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं वो हो गए, किसी प्रकार की कंसेंट दी है, लेन देन है, ये सारा हो गया। यानी कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास जो भी एविडेंस है वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंतर्गत आती हैं और भारतीय कानून इसको मान्यता देता है। यानी ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आप इनको एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन कैसे कर सकते हो उसके लिए क्या कानून है उसको हम जानते हैं। देखिए जो एविडेंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी एविडेंस होता है, एक सेकेंडरी एविडेंस होता है। प्राइमरी एविडेंस प्रथम दृष्टया एविडेंस होता है, यानी सीधी सी बात आप ये रख लीजिए कि कोई भी मामला है उससे डायरेक्ट रिलेटेड जो एविडेंस है वो प्राइमरी एविडेंस होगा। जैसे कि किसी के साथ मारपीट हुई और किसी ने अपनी आंखों से देखा कि इस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई, तो उस आदमी की जो गवाही होगी वो प्राइमरी विटनेस होगा, यानी प्राइमरी एविडेंस होगा। अब दोस्तों सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस के लिए यह कहा गया है कि जब आपको प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल ना हो तो आप सेकेंडरी एविडेंस में जा सकते हैं। अब दोस्तों ये जो आप व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट कोर्ट में लगाते हैं या ईमेल का प्रिंट आउट कोर्ट में लगाते हैं, ये सब सेकेंडरी एविडेंस होता है। अब दोस्तों ये सेकेंडरी एविडेंस डायरेक्टली कोर्ट में देने पर एडमिसिबल नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। अब दोस्तों ये सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट है क्या, एक्चुअल में इसका फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल होता है लेकिन इसमें आपको डिटेल्स बतानी पड़ती है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास कोई आपने किसी व्हाट्सएप की चैट का स्क्रीनशॉट कोर्ट में लगाया, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो चैट आपने किस मोबाइल से किसके साथ की है, किस समय पे की है, आपके मोबाइल का IMEI नंबर क्या है, उसका आपने स्क्रीनशॉट कब लिया था, फिर उसके बाद जब आपने उसका प्रिंटआउट निकाला तो आपने कौन से प्रिंटर को यूज किया, यानी कि कुल मिला के सारी डिटेल। इसी प्रकार से यदि आप ईमेल से निकाल रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी ईमेल आईडी पर वो मेल आया था, कब आया था और किस ईमेल आईडी से आया था, कब आपने उसका प्रिंटआउट निकाला, कौन से प्रिंटर को अटैच करते हुए निकाला एक्सेट्रा, यानी पूरी जानकारी आपको सेक्शन 65B के इस सर्टिफिकेट में देनी पड़ती है और सर्टिफिकेट आपको कोर्ट में सबमिट करना पड़ता है। दोस्तों यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कोर्ट में एविडेंस सबमिट तो कर देते हो लेकिन ट्रायल चलने के बाद आपको पता चलता है कि वो खारिज हो गए, यानी कि उनको कोर्ट ने नहीं माना। दोस्तों ऐसा बहुत से मामलों में हो चुका है, इसलिए आपको सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट इसके साथ में लगाना बहुत ही जरूरी है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है अब कि सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों जो आपका प्राइमरी एविडेंस है, यानी कि जिस CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग जिस DVR में सेव है, या फिर जो रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल में सेव है, या फिर जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने कहीं पे सेव करी हुई है, जिस प्राइमरी डिवाइस में आपने वो सेव करी हुई है, वो प्राइमरी डिवाइस भी आपको संभाल करके रखना है। ऐसा नहीं है कि वो प्राइमरी एविडेंस आपके पास ना रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके सेकेंडरी एविडेंस को
सामने वाला काउंसिल चैलेंज कर सकता है कि हमें लगता है कि इन्होंने इसमें छेड़छाड़ करी है और ये सही एविडेंस नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट आपसे प्राइमरी एविडेंस मंगवा सकती है और उसको एफएसएल में भेज सकती है जांच के लिए कि इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। तो ऐसे में यदि आपके पास प्राइमरी एविडेंस ही नहीं है, यानी जिस मोबाइल से आपने उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड किया था उस मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग आज की डेट पे है ही नहीं, तो फिर आपका सारा गेम बेकार हो जाएगा और आपने जो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में वहां पे रिकॉर्डिंग जमा करी है वो नहीं चलेगी। तो इसलिए आपको ये समझना है कि आपको प्राइमरी एविडेंस जरूर अपने पास सेफ रखना है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं, कई लोग थोड़ा सा चालाकी दिखाते हैं, वो क्या करते हैं एविडेंस में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर देते हैं या फिर जो रिकॉर्डिंग्स होती है उसमें थोड़ी बहुत ट्रिमिंग कर देते हैं, क्रॉप कर देते हैं उसको, पिक्चर्स को क्रॉप कर देते हैं। इस तरह की चीजें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जब जांच के लिए आपका प्राइमरी एविडेंस जाएगा तो आपके प्राइमरी एविडेंस की एक हैश वैल्यू होती है, ये हैश वैल्यू कुछ पर्टिकुलर फिक्स नंबर होते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे ना, मतलब बिल्कुल हल्का सा भी आपने काट दिया या आपने टेक्स्ट मैसेज में एक कॉमा बढ़ा दिया या एक वर्ड बढ़ा दिया या फुल स्टॉप बढ़ा दिया, तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाती है जो कि जांच में पता चल जाती है। तो ऐसे में फिर ये माना जाएगा कि आपने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है, उसके लिए आप पर कार्यवाही भी हो सकती है, प्लस आपका एविडेंस भी कोर्ट में मान्य नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों यहां पर हमको चालाकी बिल्कुल नहीं दिखानी है, चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। बाकी बात सिंपल सी कंक्लूजन अगर हम दें तो ये दे सकते हैं कि आपके पास जो भी आज के समय व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट, ईमेल के स्क्रीनशॉट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे की गई चैट के स्क्रीनशॉट्स हैं, उनको आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो एज ए सेकेंडरी एविडेंस। कोर्ट उसको लेगी और कभी अगर दूसरी पार्टी के वकील साहब ये कह देते हैं कि वो इसको नहीं मानते हैं, उन्हें लगता है कि ये गलत है, तो कोर्ट आपसे प्राइमरी एविडेंस भी मंगा सकती है। इसलिए आपको प्राइमरी एविडेंस को भी सेफ रखना है, अपने पास सिक्योर आपके पास होना चाहिए, उसकी जांच हो सकती है कल को, और अगर आपने थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करी है तो जांच में पता चल जाएगा। इसलिए आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, चालाकी बिल्कुल नहीं दिखानी है। तो दोस्तों ये था पूरा कानून व्हाट्सएप चैट, ईमेल और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर की चैट के बारे में। आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं मैंने आपको सब कुछ बताया। आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं उनके प्रिंटआउट, लेकिन साथ साथ आपको 65B का सर्टिफिकेट देना है और प्राइमरी एविडेंस को सेफ रखना है, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके काम आएगी और अपने अपने मामलों में आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।